राजस्थान के जोधपुर के भूंगरा गांव में एक घर में शादी के दौरान सिलेंडर फट गया। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग झुलस गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमिलनाडु के 10 जिलों में एनडीआरएफ और राज्य सुरक्षा बल की 12 टीमों को तैनात किया गया है, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों को आज बंद करने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण 10 से 12 छात्र बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 259 यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 11वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। पूर्वी ग्वालियर के एडिशनल SP राजेश के अनुसार लड़का ऑनलाइन क्लास से परेशान था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। इस मौके एक स्थानीय ने बताया कि बहुत ठंड हो रही है, हम इस ठंड में बाहर ही कहीं आग लगाकर ताप लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निजी अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीत लिया है। पत्रकार डेविड रोज के एक लेख में पाक PM शहबाज के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित करने में विफल रहा। जालंधर के लतीफपुरा में आज सुबह उस समय तनावपूर्ण माहौल हो गया जब अवैध कब्जे को लेकर पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने RTI के तहत एक कॉलेजियम बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।